हेलो एवरीवन, द थर्ड सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा एंड इट्स टाइप गनेथोस्टोमेटा। इन द लास्ट वन वी डिस्कस्ड अबाउट क्या डिस्कस किया था हमने? यस, एग्नेथा डिस्कस किया था। नाउ गनेथोस्टोमेटा, द सेकेंड पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट इज गनेथोस्टोमेटा। नाउ गनेथोस्टोमेटा को अगर हम डिस्कस करें तो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में सारे फिशेस आ जाएंगे और टेट्रापोडा में रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स विल कम। पाइसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉन्ड्रियोक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस। कॉन्ड्रियोक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस, सो कॉन्ड्रियोक्थिस आर कार्टिलेजिनस फिश। द फिशेस विच आर हैविंग कार्टिलेज नॉट बोन्स आर कम्स अंडर कॉन्ड्रियोक्थिस, एंड ऑस्टियोक्थिस के अंदर बोनी फिशेस, बोन वाले फिशेस। नाउ कॉन्ड्रियोक्थिस आर मरीन एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, माउथ वेंट्रल साइड, दैट मीन्स फ्रंट साइड में माउथ, एंड नोटोकॉर्ड फुल लाइफ, पूरी लाइफ तक नोटोकॉर्ड होगा। यहाँ पे बैकबोन नहीं है बट नोटोकॉर्ड इज फाउंड फॉर थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम, गिल स्लिट्स में जो ओपरकुलम होती है, ओपनिंग्स होती हैं, दैट इज नॉट फाउंड इन द गिल स्लिट्स। स्केल्स आर माइन्यूट, द बॉडी सर्फेस स्किन इज हैविंग माइन्यूट स्केल्स विच आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड जॉ आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड सम ऑफ दीज स्केल्स आर मॉडिफाइड इन टू जॉज। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉन्डियोक्थिस, एयर ब्लैडर नॉट फॉर्म। एयर ब्लैडर नॉट फॉर्म मतलब जो वाटर में स्विमिंग की कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ ब्लैडर, वो होता ही नहीं है। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूसली दे हैव टू स्विम थ्रू आउट देयर लाइफ, दे कांट स्टॉप देमसेल्फ। सम ऑफ द फिशेस आर हैविंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड सम आर हैविंग पॉइजन स्टिंग। आफ्टर दैट दीज आर कम्स अंडर द कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दैट मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर आर गेटिंग चेंज, दे कांट रेगुलेट, फिक्स नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर। These are unisexual, male and female separate, fertilization is internal, and some are viviparous. Though these are oviparous, egg laying होते हैं, but कुछ होते हैं condioctis which are viviparous, gives birth to babies. And the example are scoliozoon. Now osteoctis. Now osteoctis, the another class of Pisces. Are osteoctis, bony fishes, the fishes which are having bones are found. These are marine and fresh water. ये क्या होते हैं? Marine भी होते हैं साथ के साथ fresh water. ये वाला क्या था? It was marine only. Now next is bony endoskeleton. Endoskeleton is made up of bones. And body shape streamlined, obviously it helps in swimming. एंड फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विथ ऑपरकुलम, इसमें हमने क्या पढ़ा था? ऑपरकुलम नहीं था, दैट मीन्स गिल्स की जो ऊपर की कवरिंग होती है कवर करने के लिए, वो इन द कॉन्डियोक्थिस इट वॉज नॉट देयर, बट द ऑपरकुलम वॉज इज फाउंड इन द ऑस्टियोक्थिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्केल्स एंड एयर ब्लैडर इज फाउंड। स्केल्स तो इसमें भी थे बट टाइप ऑफ स्केल इज डिफरेंट, हेयर इट वॉज वेरी हार्ड, हेयर इट इज सॉफ्ट वन। एंड एयर ब्लैडर इज फाउंड, यहाँ पे एयर ब्लैडर नहीं था, यहाँ एयर ब्लैडर है, दैट मीन्स स्विमिंग में हेल्प करने के लिए एयर ब्लैडर है, हमेशा स्विम नहीं करना होता इन्हें, ऑस्टियोक्थिस बोनी फिशेस को। दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड लाइक कॉन्ड्रियोक्थिस, दैट मीन्स कांट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट। देन यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर, दैट मीन्स वाटर में होगा। ओविपेरस, मोस्टली ओविपेरस, इसमें क्या था? बहुत सारे विविपेरस बट इसमें मोस्टली ओविपेरस। डायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स नो लार्वल स्टेज इज फॉर्म, एग से सीधा फिश में डेवलप होगा, कौन सा? ऑस्टियोक्थिस। देन द एग्जाम्पल आर कतला, रोहू, एक्सोसिटस एक्सेट्रा। अब एक चीज जो दोनों में ही कॉमन है, टू चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड। ओके, नाउ हेयर वी हैव कम्प्लीटेड पाइसेस, अब टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर हम पढ़ेंगे फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस।